हाय। हे हाय। अरे बेबी, तू यहाँ क्या कर रही है? मामा ने कहा आप मॉल पे हो तो मैं भी आ गई। अरे आप दोनों बहनें अंदर बैठ के बातें करो, मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। दीदी आप जानना चाहते थे ना मैं किससे पसंद करती हूँ? ये वो। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू जानती है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बचपन से लेके आज तक तुम मुझसे जीतती आई हो। मम्मी पापा ने भी तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार किया, पर अब मैं हार नहीं मानूंगी। He's my life. तुम पागल हो गई हो, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? अच्छा वो सब छोड़ो, एक गुड न्यूज है। गेस वॉट, आई एम गेटिंग मैरिड। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? देखो लीजा, हमारे बीच में कोई कमिटमेंट्स नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ना हुई एक अधूरी सी हमारी। What's up bro? आज तो तू लीजा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था ना? आसमान को जमीन। भाई खून के रिश्ते में दरार डालकर मैं अपने नए रिश्ते को तामीर नहीं करना चाहता। जामिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। हाय सादिक। हेलो। आधे घंटे में बे एवेन्यू पहुँचो वरना मैं बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगी। व्हाट? इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानती। एक जन्नत सा था ये जहां। अरे ये किसकी गाड़ी है भाई? किसने पार्क कर दिया यहाँ पर? Damn it! लिख के छोड़। टैक्सी। तू कहाँ हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। मेरी लाइफ तुम दोनों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, देख के मुझे अच्छा लगा। ये क्या मजाक था चारू? अरे अरे आप दोनों इतना शॉकिंग एक्सप्रेशन मत दो, मैं किसी के लिए मरवर नहीं सकती। पर आप दोनों को ना मिलाऊं मैं जिंदगी भर खुश भी नहीं रह सकती, क्योंकि प्यार छीना नहीं जाता ना ही खरीदा जाता। हम दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट ही नहीं है तो ये सब करने का क्या मतलब? वैसे भी ही इज गेटिंग मैरिड। जो बदल जाए वो यार कैसा, जो छूट जाए वो साथ कैसा। लोग मुझे कहते हैं कि मुझे प्यार फिर से हो जाएगा, जो प्यार फिर से हो जाए वो प्यार कैसा।